वाओ सुपर, बहुत टेस्टी बना है अंडा और मैगी। तो आप इस रेसिपी को जरूर से जरूर बनाइए। आइए फिर बनाना शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम दो प्रकार की मैगी बनाएंगे। एक हमने ये मसाला ले लिया है, मसाला नूडल्स, और ये एक इप्पी मैगी मसाला, ये देखिए। तो इनको बनाने के लिए ये हमने दो अंडे ले लिए हैं, कच्चे अंडे हैं। थोड़ा हरी मटर ले लिए हैं, ये फ्रीजर मटर है। एक बड़ी साइज के प्याज हमने बारीक काट लिया इस तरीके, दो तीन कलियां लहसुन का छिलका उतार के इस तरीके बारीक काट लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक काट लिए हैं। एक हरी मिर्च काट लिए हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो और भी मिर्च डालिए, हम एक ही मिर्च डाल रहे हैं। थोड़ा कड़ी पत्ता डालेंगे, ये थोड़ा हरा धनिया ले लिए हैं। तो आइए सबसे पहले मैगी को उबाल लेते हैं। गैस हमने जला दिया, कढ़ाई भी रख चुके हैं। कढ़ाई काफी गर्म है। 1 गिलास पानी डालेंगे, आधी गिलास और डाल देते हैं। ये देखिए, आधी गिलास। पानी कम ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। पानी काफी गर्म हो चुका है। अब ये मसाला डाल देते हैं, मसाला नूडल्स। और अब इनको डाल देते हैं, इप्पी। इनको थोड़ा पकने देते हैं। मैगी बढ़िया से उबलने लगी है, ये देखिए। अब इनको थोड़ा चला देते हैं, गैस को फ्लेम हाई कर देंगे। दोनों पैकेट से निकले हुए मसाले डाल देते हैं। दो से 3 मिनट तक हाई फ्लेम में इनको पका लेते हैं। मैगी बढ़िया तरीके से पक चुकी है, ये देखिए। अब इनको हटा लेते हैं, गैस फ्लेम बंद कर देंगे। अब इनको दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। आइए अब कढ़ाई को धुल लेते हैं, यही कढ़ाई में हम बनाएंगे। कढ़ाई को धुल कर गैस पे रख दिए हैं, गैस का फ्लेम मीडियम रखे हैं। कढ़ाई काफी गर्म हो चुकी है। अब सरसों का तेल डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच। तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। सरसों का तेल काफी गर्म हो चुका है। अब जीरा डालेंगे, 1 चम्मच। जीरा बढ़िया से चटक चुका है। अब कटी हुई प्याज डाल देते हैं। अदरक लहसुन हरी मिर्च डाल देते हैं। इनको थोड़ा भून लेते हैं 2 से 3 मिनट तक के लिए, ताकि इसमें का कच्चापन खत्म हो जाए। प्याज लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो गया है, बढ़िया तरीके से भून लिया है 2 से 3 मिनट तक। अब कड़ी पत्ता डाल देते हैं।
आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे आधा चम्मच काश्मीरी मिर्च डालेंगे हरी मटर डाल देते हैं इनको भी बढ़िया से दो से तीन मिनट तक पका लेते हैं मटर को। अगर आपको मसालेदार ज़्यादा पसंद है तो और भी मसाले डाल सकते हैं जैसे धनिया पाउडर जीरा पाउडर काली गोल मिर्च के पाउडर। हम यहाँ ज़्यादा मसाला नहीं यूज़ कर रहे हैं इसलिए कि मैगी में खुद ही मसाला रहता है। दो पाउच हमने मैगी में मसाला डाला है और इसमें काफ़ी हल्दी पाउडर और लाल काश्मीरी मिर्च हो गया तो और नहीं डालना। इनको थोड़ा दो से तीन मिनट तक पका लेते हैं मटर को। दो से तीन मिनट तक हो चुके हैं मटर बढ़िया तरीके से फटने लगी ये देखिए पक भी चुकी है। अब अंडे डाल देते हैं। अंडे को हमने फोड़ लिया है बाउल में। इनको भी इस तरीके भून लेते हैं। आधा चम्मच नमक डाल देते हैं। नमक बहुत कम डालेंगे इसलिए कि मैगी में पहले से ही नमक पड़ा रहता है। अब इनको बढ़िया से भून लेते हैं। बढ़िया तरीके हमने भून लिया है ये देखिए। अब इसमें मैगी डाल देते हैं हमने जो उबाल रखा है। इनको भी बढ़िया तरीके भून लेते हैं। अगर आपको एक कलछुल से दिक्कत पड़ रही हो तो इस तरीके एक हाथ से चम्मच पकड़िए एक हाथ से कलछुल या दो हाथ से चम्मच के सहारे इस तरीके बढ़िया तरीके भून सकते हैं। मैगी थोड़ा ठंडा होने के बाद जमने की कंडीशन में आ जाती है। ये देखिए बढ़िया तरीके हमने मिला दिया और भून भी लिया। आइए स्टाइल के प्रोसेस में चलते हैं। गैस इसमें बंद कर देंगे। आइए अब सर्व करते हैं। मैगी हमारी रेडी हो गई है अंडा और मैगी। आज की रेसिपी कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। कोई गलतियां हो माफ़ करिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।